नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको छापर का दृश्य दिखा रहा हूं। छापर रतनगढ़ रोड पर आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी चिकित्सालय का उद्घाटन होने वाला है और ये जो बहुत शानदार खूबसूरत भूमि आप देख रहे हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध भामाशाह चाड़वास के समाजसेवी खुमाराम जी गोदारा मोनी देवी गोदारा के द्वारा प्रदान की गई है और वो अपनी पूज्य माताजी की स्मृति में, पिताजी की स्मृति में यहाँ पर ये पुनीत कार्य करवा रहे हैं। आज भूमि का पूजन हो रहा है, अनेक नेतागण यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस समय श्री खुमाराम जी गोदारा उनकी धरपति मोहिनी देवी जी जो है वो भूमि पूजन कर रही है और भूमि पूजन के बाद में यहाँ पर शिलान्यास समारोह होगा। तमाम नेताओं के द्वारा यहाँ पर भूमि का शिलान्यास होगा, इससे हॉस्पिटल की आधारशिला रखी जाएगी। आइए छापर से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। छापर में आज राज के माली देवी उदाराम गोदारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी हॉस्पिटल के भवन का शिलान्यास समारोह आयोजित हो रहा है। भूमिदाता श्रीमती मोहिनी देवी वाइफ ऑफ खुमाराम जी गोदारा प्रसिद्ध समाजसेवी चाड़वास के और अतिथि के रूप में रतन विधायक अभिनेश मेहर्षि, सुधान विधायक मनोज मेघवाल, पूर्व प्रधान पुषाराम जी गोदारा, कांग्रेस नेता और प्रधान रतनगढ़ इंदिराज कीचड़ और श्रवण कुमार माली चेयरमैन नगर पालिका छापर पहुँच रहे हैं। कांग्रेस नेता पुषाराम गोदारा, छापर के युवा नेता रामकरण जाट सभी पहुंचने लगे हैं कार्यक्रम में। भूमि पूजन का कार्यक्रम विधान के साथ शुरू हो रहा है। राजस्थान के चुरू जिले में बिदासर तहसील के छोटे से गांव चाड़वा से गरीब परिवार से निकले खुमाराम जी गोदारा विदेशों में पैसा कमाकर लगभग 50 करोड़ रुपए के पुनीत कार्य इस क्षेत्र में करवा चुके हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा 5 बार आपको भामाशाह अवार्ड मिल चुका है और आज छापर में 3 करोड़ की लागत की भूमि उन्होंने दान दी है चिकित्सालय के लिए और भूमि का पूजन कर रहे हैं। शिलान्यास समारोह में आप देख रहे हैं, क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित हैं। छापर का दृश्य आप देख रहे हैं। श्री खुमाराम जी मोनी देवी गोदारा द्वारा प्रदत्त भूमि पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखी जा रही है। नमो नमस्ते राजस्थान के प्रसिद्ध भामाशाह चाड़वा समाजसेवी खुमाराम जी गोदारा सपत्नीक आप देख रहे हैं भूमि पूजन कर रहे हैं। करोड़ों की लागत की भूमि उन्होंने यहाँ पर प्रदान की है, जहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। आज शिलान्यास हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है। इस समय भूमि पूजन हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो मैं इस समय आपको छापर का दृश्य दिखा रहा हूं। छापर में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी चिकित्सालय का शिलान्यास समारोह आयोजित हो रहा है। विशाल खूबसूरत भूमि आप देख रहे हैं छापर रतनगढ़ रोड पर, जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध भामाशाह चाड़वा समाजसेवी खुमाराम जी गोदारा मोनी देवी गोदारा के द्वारा प्रदान की गई है। वो अपनी माताजी बाली देवी, पिताजी उदाराम जी की स्मृति में ये पुनीत कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं खुमाराम जी गोदारा अपनी धर्मपत्नी मोनी देवी जी के साथ यहाँ पर भूमि का पूजन कर रहे हैं। कुछ ही देर में तमाम नेता पहुँचेंगे, विधायक अभिनेश महर्षि रतनगढ़ पहुँचेंगे, पुषाराम जी गोदारा यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उसके अलावा छापर नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, अनेक गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में अभी कुछ ही देर में यहाँ पर अस्पताल का आधारशिला कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अभी फिलहाल भूमि का पूजन किया जा रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंदिराज कीचड़ यहाँ पर पहुँच चुके हैं, प्रधान प्रतिनिधि रतनगढ़। फिलहाल भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। श्री श्याम गो सेवा धाम छापर के महंत योगी श्यामनाथ भी आप देख रहे हैं इसमें उपस्थित हैं,
जिन्होंने अपना पूरा जीवन गौ माता को समर्पित कर रखा है और गौशाला के संस्थापक भी हैं। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित हैं। रतनगढ़ प्रधान प्रतिनिधि और कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज खीचड़ भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुमाराम जी गोदरा अनेक पुनीत कार्य कर चुके हैं। बिदासर पंचायत समिति की भूमि भी आप ही ने प्रदान की है। राजस्थान सरकार के द्वारा भामाशाह के रूप में आपका सम्मान हो चुका है। ऐसे महान व्यक्ति के द्वारा यह भूमि प्रदान की गई है। रक्षा विधान हो रहा है। राजमिस्त्री जो कार्य शुरू करेंगे अभी, यहाँ पर आधारशिला रखी जाएगी। महाराज जी भूमि पर पहुंच रहे हैं, जहाँ पर आधारशिला रखी जा रही है। ये देखिए मांगलिक कार्य का शुभारंभ हो रहा है। कुमाराम जी गोदारा आधारशिला रख रहे हैं सामुदायिक चिकित्सालय की। छापर का दृश्य आप देख रहे हैं। हरि ओम मद्रंगणे शृणुयाम देवावृंदके मे बीजत्रायतिरैरंगुष्णो मरे वैदम यदायुः शतमिन्नु तरदो वान्ति यत्रो यत्रो भवन्नी मानो मध्यारीगंतो ओं नम वक्षिताय नमः बुद्धिलोका ब्रह्मादिदेवाय नमः। चार लगाऊं क्या? राजस्थान के प्रसिद्ध भामाशाह चाड़वा समाज सेवी कुमाराम जी गोदारा आधारशिला रख रहे हैं अपनी माताजी वाली देवी पिताजी उदाराम जी की स्मृति में। यहाँ पर ये अस्पताल का शिलान्यास हो रहा है। ये देखिए विधि विधान से कार्य प्रारंभ हो चुका है। संगीत जी मुंडो उनसे है। राजमिस्त्री छगन जी आप देख रहे हैं निर्माण कार्य शुरू कर चुके हैं। बहुत ही बड़ा अवसर है आज छापर के लिए। ये देखिए हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार पुनीत कार्य में बहन बेटी का सम्मान होता है। मौनी देव जी के पीर पक्ष के लोग आप देख रहे हैं अपनी बेटी का सम्मान कर रहे हैं। पीर पक्ष के द्वारा मौनी देवी जी को चुनरी उड़ाई गई है। कुमाराम जी के बड़े भाई पूर्णाराम जी भी आप देख रहे हैं भूमिका पूजन कर रहे हैं। शिलाओं का पूजन हो रहा है। आधारशिला रखी जा रही है। गोदारा परिवार अनेक पुनीत कार्य कर चुका है। बिदासर में भी पंचायत समिति भवन बनाया जा चुका है कुमाराम जी गोदारा के द्वारा। चाड़वास में अतिथि भवन बनाया जा चुका है। चाड़वास में तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं। पूर्णाराम जी भी आप देख रहे हैं आधारशिला रख रहे हैं। भूमि पूजन हो चुका है। ये देखिए कुमाराम जी का सम्मान हो रहा है परिजनों के द्वारा। अब यहाँ पर शिलापट का अनावरण करेंगे तमाम अतिथिगण। छापर में बहुत खुशी की खबर आज। शिलान्यास समारोह के पट का अनावरण नेतागण कर रहे हैं।
सभी को तिलक कर रहे हैं पंडित जी, उषा राम जी को, रामकरण जी को, इंद्राज खिचड़ जी को। इंद्राज जी खिचड़, पुसाराम जी गोदरा, श्याम जी महाराज, खुमराम जी गुजारा, सभी आप देख रहे हैं शिलापट का अनावरण करते हुए। छापर में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राजकीय माली देवी उदयराम गोदरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है, जिसकी भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह का पट है उसका अनावरण किया गया है सभी नेताओं के द्वारा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष इंद्राज जी खिचड़, रतनगढ़ कांग्रेस नेता पूर्व प्रधान पुसाराम जी गोदारा, रामकरण जाट, खुद खुमाराम जी गोदारा, उनकी धर्मपत्नी जी और तमाम नेता आप देख रहे हैं। छापर नगर पर नगर पालिका अध्यक्ष भी उपस्थित है। छापर थाना अधिकारी भी उपस्थित है यहाँ पर। खुमाराम जी गोदारा, उनकी धर्मपत्नी जी, तुषाराम जी, छापर के वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता पूसराज जी शर्मा भी यहाँ पर उपस्थित है, आप देख रहे हैं। बिल्कुल चारदास समाज से भी कुटिया राजा भी पहुँच चुके हैं। खुमाराम जी गोदारा के जयकारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। बहुत सम्मान करते हैं खुमाराम जी का हर कोई। छापरवासी जो यहाँ पर सड़क के मामले को लेकर पहुँचे हैं, खुमाराम जी गोदारा के जयकारे लगा रहे हैं, क्योंकि खुमाराम जी गोदारा हर कार्य में छापर चाड़वास के लोगों के साथ खड़े रहते हैं। बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं छापर के लिए, अपने आसपास के एरिया के लिए, कि खुमाराम जी जी अगला दान दाता, भूमिदान सबसे मोटो दान हो गया है, और भूमिदान हॉस्पिटल के लिए करिए, अभी के सागे सागे गौ सेवा के हितार्थ भी बहुत बड़ो काम कर रही है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके परिवार ने, अने जय जयकार हो आएगी सर। मित्रों, मैं इस समय आपको छापर का दृश्य दिखा रहा हूँ। आज छापर में एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। यहाँ पर एक बड़े अस्पताल की आवश्यकता थी और यहाँ पर आज अस्पताल की आधारशिला रखी गई है। 3 करोड़ रुपए की भूमि प्रदान की गई है। राजस्थान के प्रसिद्ध भामाशाह, जिनको 5 बार भामाशाह का अवार्ड मिल चुका है, आपने बिदासर में पंचायत समिति के भवन का निर्माण करवाया है। चाड़वास में तो दर्जनों काम करवाए हैं, आप विदेश रहते हैं, दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों को आपने वहाँ पर रोजगार भी दिया है। ऐसे खुमाराम जी गोदारा के इस पुनीत कार्य के अवसर पर अनेक नेता उपस्थित हैं। सबसे पहले कमेंट लेंगे पूर्व प्रधान रतनगढ़ नेता पुसाराम जी गोदारा से। गोदारा जी, कितना बड़ा पुनीत कार्य मानते हैं आज ये है। मैं शेषलो जमीन खुमाराम जी गोदारा, जो भामाशाह है हमारे चाड़वास के, इन्होंने बहुत बड़ी 3 करोड़ की जमीन देकर इन्होंने स्वास्थ्य जगत में एक ऐतिहासिक काम करके छापर और आसपास के इलाके में स्वास्थ्य जगत में एक नया इतिहास शुरू किया है। इसलिए मैं खुमाराम गोदारा और उसके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और ये भवन बहुत जल्दी ही तैयार होकर के, क्योंकि राजस्थान की सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 4.25 करोड़ रुपये इस भवन के लिए स्वीकृत किए हैं, इसलिए यह भवन करीब करीब 6 महीने के अंदर बनकर शानदार तरीके से तैयार हो जाएगा। हालांकि सीएससी में स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई है, लंबे समय से यहाँ डिस्पेंसरी चल रही थी, स्टाफ का अभाव था, सुजानगढ़ के अलावा छापर के लोगों के पास कोई स्वास्थ्य जगत में कोई इलाज नहीं था, इसलिए वो समस्या का समाधान स्टाफ लग गया, वो कर दिया गया, और भवन बनने के बाद शानदार भवन बनकर के तैयार हो जाएगा, तो इस इलाके की पूरी समस्या स्वास्थ्य जगत की खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कमेंट लेंगे, हालांकि बोलते कम हैं लेकिन काम बड़ा करते हैं, फिर भी 2 शब्द मैं लूँगा खुमाराम जी गोदारा से। गोदारा जी, बहुत सारे कार्य किए लेकिन आज का कार्य तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य है। छापर को जिस स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता थी वो आज बन रहा है आपके अथक प्रयासों से और आपके द्वारा करोड़ों की भूमि से। कितना अच्छा लग रहा है आज इसका शिलान्यास हुआ है। मेरे को बहुत दिल की शांति मिली है, और आज मान लो कि सब जनता हमारे साथ है, बहुत बढ़िया है। और इन बनाने के लिए और हर चीज़ के लिए मैं सब देशी हूँ, सहायता देशी हूँ, कोई बेड की है और की है, फिर भी मैं देशी हूँ दान हर चीज़ की। मैं यहाँ HPCL कंपनी की ओर से नियुक्त किया प्रतिनिधियों में, मेरी कंपनी की ओर से ये एक आवेदन करूँगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाए अपनी CSR कोष से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और रतनगढ़ प्रधान प्रतिनिधि इंदिरा जी खिचड़ हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इंदिरा जी, जिस तरह का कार्य आज खुमाराम जी गोदारा ने चाड़वास के समाज सेवी ने छापर में करवाया, क्या कहेंगे? कहने के लिए तो इसके लिए कोई शब्द नहीं है, जितना शानदार कार्यक्रम इन्होंने किया और समाज सेवा में आज नहीं बहुत बार ये अग्रण्य रूप से बढ़ चढ़ के करते रहते हैं। मैं धन्यवाद ऐसे शख्स को बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज चर्चा हम आज से नहीं बहुत लंबे टाइम से करते रहते हैं, आपस में इनकी भावना है, जब भी कोई भी मुद्दा आता है ना, आज से 5 दिन पहले मेरे से चर्चा हुई कि मैं गांव कब आऊँ और मेरे को हॉस्पिटल का जो यहाँ पे पाया रखना है इसकी शुरुआत, तो मैंने कहा वो आप ये तो जल्दी से जल्दी आओ, आचार संहिता से पहले इसकी नींव रखी जाए, काम शुरू हो जाए, तो उसके बाद में दिक्कत नहीं है। आपने इतना शानदार जो दान का कार्यक्रम किया है बहुत ही गजब का, और आप गौशाला के प्रति इतनी शानदार जो स्कीम चला रखी है गायों के लिए, मैं मेरे तय दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अन्य भी कहीं भी जो भी डिमांड है हमारे रतनगढ़ में, जैसे कोई पीछे कोई एक बार चर्चा चली थी, बोला मेरे को उसके पैसे भी देने हैं, कोई बात नहीं, आप देते रहो, ऊपर वाला आपको देता रहेगा। आपकी जो भावना है वो इतनी शानदार है, मैं निरंतर यही आपको धन्यवाद दूंगा कि आप जैसे शख्स अगर हर कस्बे और देहात में अगर एक दो आदमी रहें तो जो गाँव की छोटी मोटी समस्याएँ हैं वो बहुत ईजी पूर्ण हो जाती हैं, ऐसे लोगों को बहुत सुविधा मिलती है। इंदिरा जी, आप कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और छापर में वर्तमान में भी जो चिकित्सा केंद्र है उस पर भी हमेशा अव्यवस्थाएं रही है, और चूंकि भवन तो अनेक बन जाते हैं, भमासा तैयार रहते हैं, लेकिन उसके बाद में मुख्य जो अस्पताल में चाहिए वो डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, तो इसके लिए क्या प्रयास होंगे? आपने सही सवाल किया। सबसे बड़ी बात ये जो भवन बन जाते हैं लेकिन उनके बावजूद यहाँ डॉक्टर्स और जो नर्स स्टाफ की जो समस्या है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार चाहती है वहाँ तक पहुँचे। मैं स्वास्थ्य मंत्री से मैं अभी 3 डिजायर अभी की 2 दिन, रतनगढ़ की हॉस्पिटल है, जिले की 1 नंबर हॉस्पिटल बना दी लेकिन स्टाफ नहीं है, वहाँ से स्टाफ इश्यू होता है, डॉक्टर लगाए जाते हैं लेकिन उसके बावजूद ज्वाइन नहीं करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है कि वो कोई देहात में रूरल एरिया में जाना नहीं चाहता, तो सबसे बड़ी समस्या है ये। धीरे धीरे जो अब जाके अब आने वाले टाइम में मंत्री जी से मेरी बात हुई, सबसे उनका कहना है कि अब हमारे पास डॉक्टर इतने सरप्लस है कि ये बहुत जल्दी ही इसकी समस्या ही नहीं रहेगी। NMJNM की भी नई नियुक्तियां हुई हैं, डॉक्टर्स की भी हुई हैं, तो अब जो आने वाला समय है वो धीरे धीरे, एक बार कोई चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है, हम जरूर समझ रहे हैं, आपसे ज़्यादा हम भी चिंतित हैं कि जब सुविधाएँ होने के बावजूद डॉक्टर क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि आम आदमी को दूर क्यों जाना पड़े। एक तो गांव में सुविधा अब शानदार CHC बन जाएगी तो आम आदमी की छोटी मोटी बीमारी का इलाज तो यहीं होना चाहिए, लेकिन स्टाफ की दुविधा की वजह से नहीं हो पाता है। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी ही इसके ऊपर पूरा पूर्ण रूप से पूरा स्टाफ मिल जाएगा और ये समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आश्वासन मिला है। उम्मीद है कि जो पुनीत कार्य खुमाराम जी गोदारा ने किया वो बहुत बेहतर ढंग से चलेगा, डॉक्टर्स की स्वास्थ्य कर्मियों की यहाँ पर कोई कमी नहीं रहेगी, और हम पुनः बधाई देते हैं कैसे भमासा को जिसको राजस्थान सरकार ने 5 बार बेहतरीन भमासा के रूप में सम्मानित किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक हर क्षेत्र में आप करोड़ों रुपए की लागत से कार्य करा चुके हैं, और आज 3 करोड़ की भूमि देकर उन्होंने छापर के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बहुत पुनीत और महान कार्य किए हैं, तो हम पुनः खुमाराम जी गोदारा का अभिनंदन करते हैं। छापर के वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता पुष्पराम जी शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका करते हैं। जो कार्य खुमाराम जी गोदारा ने आज छापर के लिए करवाया है क्या कहेंगे? बहुत बहुत काम किया है, ये जनसेवा का काम किया है, ये नहीं होता तो आगे की कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ विवाद था इसके अंदर, वो विवाद का शांत होकर के अब सब मिल कर के हम कर रहे हैं। और बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। रतनगढ़ विधायक अभिनेश मैर्सी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष इंदिरा जी खिचड़, पुष्पराम जी गोदारा, खुद खुमाराम जी गोदारा, छापर नगर पालिका अध्यक्ष, सभी लोग आप देख रहे हैं इस अवसर पर उपस्थित हो चुके हैं। छापर का दृश्य आप देख रहे हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध भामाशाह चाड़वा समाज से भी खुमाराम जी गोदारा ने अपनी माताजी माली देवी जी, पिताजी उदाराम जी गोदारा की स्मृति में 3 करोड़ की भूमि देकर यहाँ पर चिकित्सा केंद्र की स्थापना के लिए आज भूमि पूजन और शिलान्यास करवाए हैं, जिसका आप देख रहे हैं शिलापट का लोकार्पण हुआ है। चाड़वास
रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और विधायक अभिनेश मैसी भी यहाँ पर इस पुनीत अवसर पर पहुँचे हैं। पुनः बता दूं, खुमाराम जी गुजारा के द्वारा 3 करोड़ की भूमि देकर यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र का आज शिलान्यास हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह का पुनीत कार्य आपकी विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध भामाशाह खुमाराम जी गुजारा ने किया? निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय कार्य है। हम लोगों ने विधानसभा में कई बार इस मांग को उठाया। पिछले 20 से ज़्यादा वर्षों से ये मांग थी कि यहाँ पर CHC बने। छापर भी बड़ा कस्बा है, पहले भी इसके अंदर जो है वो सब लोग प्रयासरत थे, हम लोगों ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन राजस्थान की विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को हमने भी कई बार उठाया। फिर उसके बाद में बजट के अंदर इसकी घोषणा हुई और बजट घोषणा के बाद में इसको इतने दिन थोड़ा समय लग गया, लेकिन खूम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खूम जी ने इसके लिए ज़मीन दी और ज़मीन देने के कारण, हालांकि ये ज़मीन देने के कारण थोड़ा सा जो डिले हुआ है कि जमीन सही समय के ऊपर हम लोगों को, और भी पहले यदि सब लोगों के प्रयास से होती तो और जल्दी हो जाता, लेकिन अभी ये चल रहा है हॉस्पिटल, ऐसी कोई बात नहीं है। और खूम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए भामाशाह बहुत लोग होते हैं जो अपने लिए तो कमाते हैं, व्यक्ति अपने लिए कमाता है, लेकिन जनहित के लिए परमार्थ के लिए जो काम करता है उसका तो जिन शब्दों के अंदर भी हम बधाई दें वो कम है। इन खूम जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने चाड़वास में भी गौशाला बनाई है, बाकी जगह भी खूम जी का देखता हूँ मैं, सब जगह जो है वो चाहे गौशालाओं की बात हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो या अन्य कोई कार्य हो, उसके अंदर खूम जी गोदारा बहुत आगे बढ़ करके काम करते हैं। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सब लोगों ने मिलकर के प्रयास किए और मेरे विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ के अंदर ये जो सौगात है ये जनता के हित में अच्छा साबित होगा। विधायक जी, हमेशा समस्याएं रही स्वास्थ्य को लेकर छापर चिकित्सालय में, और चूंकि भवन तो बन रहा है तो इसके लिए क्या प्रयास होंगे ताकि चिकित्सा व्यवस्थाएं लोगों को मिले? भवन बनने से कुछ नहीं होता है, डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी सबसे जरूरी होते हैं। देखिए भाई साहब, यदि कुछ भी इस समय और बात कहूँ तो वो राजनीति की बात हो जाएगी। मैं इस संबंध में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो भी सरकार रहे, वो सरकार जब ये CHC, अभी तो चलो भवन छोटा है, ये CHC का भवन शानदार बनेगा, शानदार भवन बन जाए उसके बाद में जो भी सरकारें रहें, निश्चित रूप से सरकार जो लाभ तभी मिल सकता है CHC, PHC या जिला अस्पताल का, जब उसके अंदर डॉक्टर्स पर्याप्त मात्रा के अंदर लगें और विशेषज्ञ भी लगें। मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से ये CHC के अंदर डॉक्टर्स की भी व्यवस्था होगी और अच्छी यहाँ पर लोगों को चिकित्सा सेवा मिलेगी। और शिवजी, मैं तो ये कहूँगा कि सरकार आने वाली है, चिंता मत करो, सब डॉक्टर्स भी लगेंगे। धन्यवाद। नगरपालिका अध्यक्ष सैनी जी आ गए, एक कमेंट चेयरमैन साहब से लेंगे। चेयरमैन साहब क्या कहेंगे चाड़वास समाजसेवी के द्वारा छापर में जो पुनीत कार्य हुआ है? मैं खूम जी गोदारा, उनके और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने ये जो भूमि दान की है, जो हमारे CHC हॉस्पिटल छापर में बनती है, इसके लिए मैं समस्त छापरवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खूम जी गोदारा का।